सपना, 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 मैंने अभी अभी भी एक बहन ने ख्वाब देखा, एक एक अजीब सपना था। दमयंती, सुमन की जान खतरे में है। नहीं, हाँ, नहीं। हम एक पल यहाँ नहीं ठहरेंगे, आज ही बीजापुर जाएंगे। हाँ जी, हाँ। आखिर तूने बरसों के सोए हुए शैतान को जगा ही दिया। अब मौत का एक ऐसा सैलाब आएगा जिसमें सब बह जाएंगे।
और इस तबाही के जिम्मेदार तुम लोग हो। कसम भद्र काली की, इस तबाही से बचने का एक ही रास्ता है, भद्रकाली को तुम दोनों के खून की बलि छोड़ दो इसे। राका, हट। भद्रकाली की कसम, राका इस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देगा अपने इन हाथों से। महादेवी को इसके खून की बलि, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। शहरी कुत्ता मुझे जिंदा या मरता चाहिए, वो यहीं कहीं जंगल में छुपे होंगे। आ मेरे साथ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम फौरन बॉम्बे वापस चले जाएंगे। हाँ सुमन, लेकिन लेकिन पहले हमें आनंद को ढूंढना होगा। वो जरूर शैतान की तलाश में पुराने मंदिर की तरफ गया होगा। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? कहाँ छुपा रखा है उसे? कहाँ है मेरी बहन का कातिल? बोल। मुझे जाने दो, मुझे नहीं मालूम। या बता हरामजादे, वरना मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम, मैं कहता हूं मुझे छोड़ दो, मेरे सर पर खून सवार है। तुम्हारे सर पे मौत सवार है हराम जादे। जाने दे मुझे। मैं कहता हूं जाने दे मुझे, मैं कहता हूं जाने दे मुझे। आनंद, 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 आनंद। दिल तक पहुंच
पहुंचने से पहले तुझे चट्टान पर से गुजरना होगा। संजय बिल्कुल लेके यहां से चला जा, मैं इसे रोकता हूँ। पागल हो गए तुम आनंद, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। जिद मत करो संजय, ये शैतान सुमन उसके खानदान का खून करता है, ये सुमन को जान से मार डालेगा। नहीं, मैं तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता। जिएगा तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। सुमन को लेकर सुमन, ये सुमन की जान का सवाल है। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ, जाओ यहाँ से, सुमन को लेकर चले जाओ। वो होता है जो दोस्त के लिए जान दे दे। पापा, पापा देखो क्या हुआ, हम लोगों की जान बचाने के लिए आनंद ने अपनी जान दे दी और पापा उस शैतान ने सपना को भी मार डाला। इस शैतान का मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं बेटी, इसे तो सिर्फ एक ही महाशक्ति खत्म कर सकती है और वो है हमारे पिता परमेश्वर भोलेनाथ। हाँ चले, उन्हीं से मांगे हमारे प्राणों की भीख। सुमन, मुझे वो त्रिशूल चाहिए। त्रिशूल? हाँ सुमन, भगवान शंकर का त्रिशूल, जिससे हम उस शैतान को खत्म कर सकते हैं। और मैंने वो त्रिशूल हवेली में कहीं देखा है। हाँ सुमन आओ। सुमन, वो त्रिशूल यही था, यही था। संजय वो देखो, सुमन मैंने ये कॉफिन तो पुराने मंदिर में देखा था। पुराने मंदिर में? हाँ, लेकिन यहाँ कैसे आ गया? सुमन वो त्रिशूल यही होना चाहिए, यही कहीं हवेली में होना चाहिए। Thank you.
कैसी? देखते हैं। लेकिन ये शैतान, भगवान शंकर के इस त्रिशूल के होते हुए ये शैतान इस कॉफिन से बाहर नहीं निकल सकता। चलो आओ, जला दो, भाग कर दो इस हवेली को, चल जाने दो उस शैतान को इस मनुष्य हवेली के साथ। बीजापुर के वासियों, भाई रुक जाओ, तुम लोग इस हवेली को नहीं चला सकते। मैं सिर्फ आधे घंटे की मोहलत चाहता हूं, और आधे घंटे के अंदर मैं खुद उस शैतान को इस हवेली के बाहर आप लोगों की आंखों के सामने जलाकर राख कर डालूंगा, राख कर डालूंगा मैं उसे। और अगर आधे घंटे के अंदर तुम उस शैतान पर काबू ना पा सके तो तुम लोग इस हवेली को आग लगा सकते हो। Thank you.
चल जाने दो इस शैतान को, चलो दो इसे। हमें तुम पर नाज है बेटे, हमारे खानदान पर लगे हुए 200 साल पुराने कहर का तुमने आज नाश किया। I'm really proud of you, my son. जीते रहो, जीते रहो।